राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म तुष्टीकरण की राजनीति की है, लेकिन देश की जनता को ये बर्दाश्त नहीं है। देश और प्रदेश में किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा। साथ ही क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है, लेकिन देश की जनता को यह बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है। वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है।